जनपद मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र ब्लॉक बेवर के ग्राम विरायमपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का संध्या करणपुर प्रधान द्वारा नहीं कराया गया था, जिसको लेकर ग्राम की जनता ने प्रशासनिक अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र लेकर जिले के अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी। ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे पूर्व प्रधान सिद्ध श्री के कार्यकाल को बताया, हमारे पूर्व प्रधान ने ग्राम में विकास कार्य नहीं कराया और बेवर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा पैसा निकाल लिया गया। ग्राम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए पैसा काफी मुहैया कराया गया था, लेकिन प्रधान पुत्र ने कार्य को नहीं कराया। आज हमारे ग्राम में जनपद मैनपुरी के सीडीओ अधिकारी आए और उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय ग्राम की जनता ने उन्हें पूरी जानकारी और बेवर ब्लॉक के भी अधिकारीगण मौजूद रहे। ग्राम की जनता ने मीडिया कर्मियों को भी पूर्व प्रधान कार्यकाल बताया। अब वर्तमान प्रधान ब्रजनाथ सिंह विकास कार्य करा रहे हैं। खंड बेवर के ग्राम विनायमपुर के प्राथमिक विद्यालय की पोल खुल गई है और ग्राम विकास के पूर्व प्रधान की भी पोल खुल गई है, जिसमें कोरोना महामारी के दरमियान विकास कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पैसा मुहैया कराती रही, लेकिन जनपद मैनपुरी के प्रशासन के अधिकारियों ने कभी गौर नहीं किया और ग्राम में जाकर नहीं देखा कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्य कराया है कि नहीं। ऐसे में वर्तमान प्रधान ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लेकर जांच कराए जाने की मांग की है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों की लागत ग्राम प्रधानों को रुपए दे रहे हैं, लेकिन ग्राम की जनता के लिए विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। जैसे कि ग्राम में रोड, नाली, खरंजे, पुलियां आदि विद्यालयों का सौंदर्यीकरण नहीं अभी तक हुआ है और तालाब का भी सौंदर्यीकरण नहीं कराया जा रहा है। बरसात आ गई है, ग्राम का पानी कहाँ जाएगा? ऐसे में विकास कार्य नहीं हुआ है और जनपद मैनपुरी के प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हैं और ग्राम की जनता के लिए विकास कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जनपद मैनपुरी के प्रशासनिक अधिकारी भूखे पेट बैठे हुए हैं और पैसे लेने के लिए अवैध तरीके से बैठ गए हैं और ग्राम के प्रधानों द्वारा विकास कार्य नहीं कराया गया और कानों में जुआ और आंखों पर पट्टी बंधी है। प्रशासनिक अधिकारी अगर ग्राम प्रधान कार्य कराए उसे देखने के लिए जाए तो अवैध तरीके से सड़क, गली, नाली, खरंजे को नाप देकर पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन कभी भी विकास कार्य नहीं कराया जाता है। इसमें कुल मिलाकर ब्लॉक के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं और जनपद मैनपुरी में कभी भी विकास कार्य ग्राम पंचायतों में नहीं होता, पैसा बजट निकाल लिया जाता। मैं उमा शंकर, जन सेतु न्यूज चैनल के साथ जनपद मैनपुरी कैमरामैन।